वॉक करके आए फॉर एक्सपायरी, और उसके बाद घर घर नहीं मतलब एयरबीएनबी में जाके फ्रेश होके नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बागा ब्रिटोज फॉर ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट खा के फिर हम जाएंगे चर्च, और उसके आगे आगे क्या होता है जैसे जहाँ होता जाएगा वैसे आप लोगों को बताएंगे. और आप लोगों तो ये हम आ गए हैं बागा, यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह है, वो पार्किंग स्लॉट पे हम पार्क करके आ गए. स्पाइडी को हमने बिठा दिया है प्रैम में, क्योंकि इधर रोड साइड डॉग्स बहुत ज़्यादा है एंड दे पाउंस. तो हम लोगों ने स्पाइडी को बिठा दिया है ऑन हिज प्रैम. तो दिस इज ब्रिटोज. जो लोग आए हैं गोवा उनको पता ही होगा ब्रिटोज, और जो नहीं आए हैं यू शुड वंस डेफिनेटली मेक इट टू ब्रिटोज. इट इज़ राइट ऑन द बागा बीच, और ये एक शैक है. यहाँ पे ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक सब कुछ मिलता है. इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर जगह, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे शाम को. तो इट इज़ इम्पॉसिबल स्पाइडी के साथ, तो इसीलिए हम लोग सुबह ही आ गए. सोचा ब्रेकफास्ट खा के फिर हम निकल जाएंगे फॉर द चर्च. तो चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ ब्रिटोज फ्रॉम इनसाइड, एंड देन बैठ के थोड़ा खाना ऑर्डर कर लेते. तो चलिए लेट्स गो. ये देखिए सब. एंड येस, ब्रिटोज में आओ तो डेफिनेटली ब्रेकफास्ट के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बट अगर लंच या डिनर के लिए आओगे तो फॉर श्योर ट्राई देयर फिश. जो भी फिश है यू कैन ट्राई, क्योंकि इट इज जस्ट अमेजिंग. सो दिस इज ब्रिटोज फॉर ऑल ऑफ यू. मेन्यू हम फटाफट ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देते हैं, और फिर मैं आ गई हूँ थोड़ा बीच पे. वेल गोवा आए हैं तो बीच पे जाना तो बनता है. बीच पे थोड़ा समुंदर में थोड़ा पानी में अपना पैर भिगोना तो बनता है. तो चलिए मेरे साथ चलते हैं, थोड़ा मैं पैर भिगो लेती हूँ, क्योंकि हमारे पूरे टाइम पे और कोई प्लान नहीं है बीच पे आने का, क्योंकि इट इज़ जस्ट क्रेजी, जस्ट क्रेजी. मे बी न्यू ईयर्स ईव आ रहा है, एंड ऑफ द ईयर है, तो ऐसे लग रहा है कि पूरा दुनिया ही गोवा पहुंच गए तो हम वापस शायद ना आए. तो चलिए, जनरली हम लोग ऐसे लोकल बीच पे आके कभी जनरली पानी में नहीं जाते हैं, और इस टाइम हम लोग जहाँ पे रुके हैं इट इज़ क्वाइट फार फ्रॉम द बीच. हमारा प्रॉपर्टी इज़ अबाउट 20 मिनट्स फ्रॉम हियर, तो सवाल ही नहीं उठता है. तो चलिए थोड़ी देर के लिए पानी में पैर रखते हैं, गोवा का जो फील वो कम्प्लीट करते हैं, और फिर जाके ब्रेकफास्ट खाते हैं. Wow, this feels nice. और देखो सुबह 8:30-9 बज रहे, और देखो क्या भीड़, बाप रे. तो हो गया, पानी में भीग के हो गया, मैं वापस आ गई, और बू चैन वेट कर रहा है मेरे लिए. चलो खाना भी आ गया है, आई थिंक मेरा चाय आ गया. चलो लेट्स हैव चाय ब्रेकफास्ट, और फिर चलते हैं टुवर्ड्स द चर्च, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जाएंगे. कौन सीटी मार रहा है? खाना पीना खत्म, अब हम निकल रहे हैं, और स्पाइडी को उधर रखा है प्रैम में, उसके ऊपर कैमरा रख के देखो हमने कैसे फोटो लिया है, वीडियो लिया है. और ये देखो, दिस इज अ वेरी गुड थिंग. अगर आप लोगों को नहीं पता है, और जो लोग आते हो फर्स्ट टाइम आ रहे हो, सो दिस इज अ
हिप हॉप बस सर्विस दैट दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम बागा. यहाँ से आप लेके ये सर्विस लेके यू कैन गो ऑल अराउंड गोवा. ये देखो अभी ये बस इधर से छूट रही है. दिस इज़ रियली रियली नाइस. सो डू अवेल एंड दे हैव बोथ एसी एंड नॉन एसी. सो यस यू कैन चूज वॉट एवर. और ये देखो पैराग्लाइडिंग भी हो रहा है फ्रॉम बागा बीच. सो लॉट ऑफ एक्टिविटीज. तो चलो हम चलते हैं अभी फिलहाल टूवर्ड्स ओल्ड गोवा एंड टू द चर्च. जब भी मैं गोवा आती हूँ इट इज मस्ट दैट आई कम टू द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस बिकॉज इफ आई डू नॉट कम हियर माई गोवा विजिट बिकम्स इनकम्प्लीट. सो चलो चलते हैं. जैसे आप देख सकते हैं टू द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस यहाँ पे फ्रांसिस सेंट फ्रांसिस जेवियर का बॉडी रखा हुआ है और हर 10 साल में उनका बॉडी बाहर लाया जाता है फॉर द पब्लिक. इट इज मोर अ पिलग्रिमेज सेंटर बोल सकते हैं क्योंकि उनका जो बॉडी है लोग दुनिया भर से लोग आते हैं एवरी 10 ईयर्स टू सी हिज द रिमेन्स ऑफ हिज बॉडी. और ये जो वाइट बिल्डिंग है दिस इज द म्यूजियम गोवा म्यूजियम. आप यहाँ वहाँ पे भी आके देख सकते हैं. इट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल गिविंग ऑल द हिस्ट्री ऑफ गोवा हाउ द पोर्टुगीज फंक्शनड इन गोवा. इट इज ऑल देयर इन द ओल्ड द गोवा म्यूजियम. और ये देखो दिस इज द बेसिलिका. और इधर भी बहुत वेरी इंट्रिकेट काम किया हुआ है इनसाइड द चर्च. एंड बहुत भीड़ है, बहुत ही भीड़ है. पीपल आर थ्रॉन्गिंग. आई डू नॉट नो कहाँ कहाँ से आ रहे. तो 2016 में लास्ट द बॉडी वॉज टेकन आउट. सो जैसे मैंने बोला 10 साल बाद वापस होएगा. तो येस आई गेस दिस इज 24 or 26 में वापस उनका बॉडी बाहर फॉर पब्लिक व्यू निकाले जाएंगे. तो चलिए चलते हैं. और चर्च के अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड है नहीं तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी. एंड येस वन मोर थिंग इज दैट यू नो चर्च के बाहर लोग दे सेल फ्लावर्स दे गार्लैंड दे सेल कैंडल्स बट प्लीज डोंट बाय देम बिकॉज नथिंग इज अलाउड इनसाइड द चर्च. दे डू नॉट अलाउ यू. आके बाहर ही आपको सब कुछ रखना पड़ेगा. सो इट मेक्स जीरो सेंस. डू नॉट गेट इन टू द ट्रैप. दैट इज वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज ऑलवेज वेन यू आर कमिंग टू द चर्च एनश्योर दैट आप पूरे कपड़े में आते हो क्योंकि कभी कभार दे से दैट इफ यू आर वेयरिंग शॉर्ट्स आपको अंदर नहीं जाने देंगे. तो आप इतना दूर आओगे और अंदर नहीं जा पाओगे. एंड ऑल्सो यू हैव टू कवर योर शोल्डर रिवीलिंग शोल्डर रहता है. तो दे डू नॉट अलाउ फॉर इंडियंस. आई डू नॉट नो अबाउट फॉरेन नेशनल्स बट फॉर इंडियंस दे डोंट. सो ये थोड़ा बहुत पार्ट ऑफ द चर्च है जो दे अलाउ फोटोग्राफीज अलाउ. तो मैंने थोड़ा लिया आप लोगों के लिए. हो गया मेरा चर्च और अब मैं वापस जा रही हूँ टूवर्ड्स कलंगुट क्योंकि हमने सोचा है कि हम आज दोपहर को थोड़ा कश्मीरी खाना खाएंगे. येस आप लोगों ने सही सुना. हम लोग गोवा में आके कश्मीरी खाना खाएंगे. अगर जो लोग खाते हो जिनको नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद है जरूर आइएगा टू असलम. इधर का कश्मीरी क्विजीन इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड. आपको लगेगा कि आप कश्मीर ही पहुंच गए हो. तो हमने खाना ले लिया असलम से. टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है बिकॉज इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग. देर इज नो फ्रिल टू द रेस्टोरेंट. इट इज मोर अ टेक अवे थिंग. ये देखो हमारा खाना गुश्ताबा रिश्ता हमने सब रोगन जोश ये सब हम लोगों ने लिया था. एंड द फूड वॉज 5 out of 5. तो यस हो गया हमारा दोपहर का. अभी हम वापस निकले हैं. वी आर गोइंग टू द सैटरडे नाइट बाजार इन आरपोरा. लेट्स सी चेक करते क्या है क्या नहीं है क्योंकि वैसे हमको कुछ खरीदना नहीं है बट जस्ट टू गिव यू an idea about the Saturday night flea market जो गोवा में होता है. यू गेट एवरी थिंग कपड़े ज्वेलरी चाय पत्ती डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस जूते क्या नहीं सब कुछ. जैसे आप देख सकते इयर रिंग्स आर्टिफैक्ट्स यू गेट एवरी थिंग. सो इफ यू वॉन्ट टू कम एंड यू वॉन्ट टू बाय यू कैन डेफिनेटली डू दैट. फिर इधर लिटिल बिट ऑफ म्यूजिकल नाइट भी होता है. एंड देन देर आर फूड स्टॉल जहाँ पे जाके आप खाना खा सकते हो. सो येस ओवरऑल इट इज अ गुड प्लेस टू कम एंड एंजॉय ऑन अ सैटरडे नाइट. एंड दिस हैपन्स ओनली ऑन सैटरडे. सो अगर आप सैटरडे को गोवा में हो तो आप डेफिनेटली आओ यहाँ पे शॉपिंग करो खाना खाओ थोड़ा सा म्यूजिक सुनो और फिर आप चले जाओ. आपका इवनिंग इज डन विथ.
और ये एकदम वेरी वेरी क्लोज टू बागा बीच है. सो दिस इज सैटरडे नाइट बाजार इन गोवा फॉर ऑल ऑफ. साथ हो गया हमारा सैटरडे नाइट बाजार घूम के, और अब हम जा रहे हैं फॉर डिनर एट चामुन, और आप लोगों को मिलते हैं कल, क्योंकि व्लॉग बहुत ज्यादा हो गया तो हम आपको दिखाएंगे कि कल हम क्या कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स जामुन में हम क्या खा रहे हैं, व्हाट इज जामुन ऑल अबाउट, पूरा डिटेल देंगे, बट आज नहीं कल के वीडियो में. तो तब तक बने रहिए कल, एज इन नॉट टुमारो माय नेक्स्ट व्लॉग विच विल बी कमिंग बैक ऑन थर्सडे. सो अंटिल देन गुड नाइट, टेक केयर. Hope you're liking my Goa series, and if you're liking it, do like, share, subscribe. Aur milte hain fir break ke baad on Thursday. Until then, tata, take care, bye.